हम तो अभी बिहार आ रहे हैं, हमको पता नहीं क्या है, आए हैं पहले जानेंगे उसके बाद में कुछ प्रतिक्रिया। जिस तरह से अपराध बढ़े आप भी चिंतित थे, कई बार आपने ट्वीट भी किया कि क्या। अभी तो हम आ ही रहे हैं पटना दिल्ली से कई रोज के बाद, तो देखते हैं फिर देखे बात बताए। उत्तर प्रदेश में एक तरह के हालात है, उत्तर प्रदेश में गोलियां मार दी जा रही है आम लोगों को, और बिहार में जो है बच्चे जो है सुरक्षित फिर से नहीं है, अपहरण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हम अभी बता रहे हैं कि अभी तो हम सीधे आ रहे हैं एयरपोर्ट पर है, पहले कुछ चीजों की जानकारी ले लेते हैं। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभाल पा रहा, आपके प्रदेश अध्यक्ष का यही कहना है? कौन प्रदेश अध्यक्ष हमारे कह दिया ऐसा, किसी कोई प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं कहा, आप लोग गलत जान रहे हैं। नागमणि जी प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, क्यों आप विश्वास, आप क्या विश्वास बिहार में लोग सुरक्षित हैं क्या? सीएम विश्वास, आप बिहार में लोग सुरक्षित हैं? तो इसमें मेरी क्या भूमिका है सर? कुशवाहा मेरी क्या जेडीयू कह रहा है कि कुशवाहा उसके साथ है और कुशवाहा समाज की बैठक हो रही है वहाँ पे, तो इसमें मेरी क्या भूमिका है? उसमें निश्चित रूप से बिहार को अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए, बिहार की सरकार ने भी कहा है मदद के लिए, निश्चित रूप से उसमें अधिक से अधिक बिहार को मदद की जरूरत है, मदद होनी चाहिए। क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिहार के लिए? सामने देखिए बैठक जिसमें करेगी तो क्या प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक होगी तो उसमें निश्चित रूप से हमारी पार्टी की ओर से प्रतिनिधि जाएंगे। बिहार में आप मानते हैं सर, क्या कहेंगे सर? ये बताइए, आप संवेदनशील काफी राजनेता हैं, आप खुद भी इस बात को कबूलते रहे हैं कि जब जो हालात जो होते हैं आम लोगों के लिए, अरे चौबे जी उधर हम छूट जाएंगे, अरे अगर हत्या, चौबे जी उधर छूट जाएंगे भाई, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, AK-47 चल रहा है, इस पर नहीं बोलेंगे? अश्विनी कुमार चौबे जी है उधर, हम इधर सर, आप इस पर निकल जाएंगे? AK-47 चल रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तब भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? अपराध बढ़ रही है, क्या आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है? ये भैया, अरे उधर और लोग हैं, देखिए।